नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त मनु मोड़ते। अज की वीडियो में आप कंप्यूटर अवेयरनैस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आप कवर करांगे। यह अपना पहला पार्ट है एंड इस तो पहला जनरल साइंस कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब और पोल्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं अपने चैनल उत्ते पा चुके हाँ। जे तुसी चाहो तो वीडियो के एंड में उन्होंने वीडियोज़ के लिंक तुम्हें मिल जाएंगे, उत्थे जाके तुसी चैक कर सकते हो। तो दोस्तों हुण आपां ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपना फर्स्ट क्वेश्चन ते आउंदे हां। क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए, चार्ल्स बैबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहले कंप्यूटर का नाम क्या? जो चार्ल्स बैब ने पहला कंप्यूटर उसका कोई नाम नहीं रखा गया सी, ते इसे अंतर इंजन या डिफरेंस इंजन के नाम नाल ही जाना जाता सी। एंड क्वेश्चन नंबर टू की गल करिए, कंप्यूटर का पिता कौन मनिया जाता है, मतलब कंप्यूटर का जनक या फाउंडर कौन सी? चार्ल्स बैब 1833 ईस्वी में कंप्यूटर का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, वाईफाई का पूरा नाम की होंगे? तो वायरलैस फैडिलिटी वाईफाई का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर फोर की गल करिए, हेठ लिखे विचों किहड़ा ब्राउजर या वैबसाइट का पहला मुख्य वैब पेज होंगे है? तो उसको आप कहते हैं, सॉरी, होम पेज कहते हैं। जो आप कोई ब्राउजर ओपन करते हैं, वैबसाइट ओपन करते हैं, तो सब तो पहला होम पेज आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर फाइव की गल करिए, मॉडम किस नाल जुड़िया हुंदा है? मॉडम टैलीफोन लाइन नाल जुड़िया हुंदा है। फिर आप वाईफाई कनैक्ट करते हैं तो टैलीफोन की जो भी कंपनी होंगी उसकी रेंज आपको मॉडम थ्रू मिलती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की गल करिए दोस्तों, मॉडम शब्द का पूरा नाम की है? तो मोडूलेटर डीमोडूलेटर मॉडम का पूरा नाम है। दोस्तों अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन है, जो तुम पोल्ट्री कल्चर ऑफ इंडिया एंड पंजाब और जनरल साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में खरीदना चाहते हो तो यही मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मैं मैसेज कर सकते हो तो मेरे नाल गल कर सकते हो, फिर तुम इंपोर्टेंट फाइल खरीद सकते हो। इस PDF फाइल में दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन एंड जो बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन वह इनकलूड किए गए हैं। एंड इस बार भी दोस्तों यह PDF फाइल काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है पंजाब के आने वाले हर गवर्नमेंट एग्जाम वास्ते। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सैवन की गल करिए, कोडिंग स्क्रैम्बलिंग की हुंदा है? तो इनक्रिप्शन कहते हैं कोडिंग स्क्रैम्बलिंग नूं। ते क्वेश्चन नंबर एट की गल करिए दोस्तों, बिजली की असफलता के दौरान डाटा के नुकसान बचाने के किहड़े उपकरण की वरतों की जाती है? UPS डिवाइस की वरतों की जाती है। तो इसका फुल फॉर्म की गल करिए अनइंटरप्यूटेड पावर सप्लाई। 9 की गल करिए, कैथोड रे ट्यूब डैश की उदाहरण है? तो मोनीटर इसका सही आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए दोस्तों, बाइनरी नंबर नूं डैश कहते हैं, बिट भी बाइनरी नंबर नूं कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए दोस्तों, वोल्ट का पूरा नाम की है? वॉइस ओवर लोंग टर्म एवोल्यूशन वोल्ट का पूरा नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए दोस्तों, हेठा दिते किहड़े वायरलैस टैक्नोलॉजी 100 MB तो वध डाउनलोड की स्पीड का समर्थन करती है? 4G जो भी नैटवर्क आप यूज़ करते हैं इस टाइम जियो या एयरटेल विच, तो वह 4G है, तो यह 100 MB तो वध डाउनलोड होने की समर्था देंगे ने। नंबर 13 की गल करिए दोस्तों, CPU का पूरा नाम की है? सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट CPU कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर कितनी किस्म की मैमरी होती है? दोस्तों दो किस्म की मैमरी होती है, प्राइमरी मैमरी तो सेकेंडरी मैमरी। 15 की गल करिए दोस्तों, प्राइमरी मैमरी कितनी किस्म की मैमरी होती है, मतलब प्राइमरी मैमरी में कितनी किस्म की मैमरी होती है? इसमें भी दो किस्म की मैमरी होती है, जिसको आप रैम और रोम के नाम नाल जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए दोस्तों, रैम मैमरी का पूरा नाम की है? तो रैंडम एक्सैस मैमरी रैम मैमरी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए दोस्तों, रोम मैमरी का पूरा नाम की है? दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं पता, इस सवाल का आंसर तुम मैं कमेंट बॉक्स में लिख के दसोगे, गूगल पर जाओ तो सर्च करो कि रोम ਦਾ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ। ਦੋਸਤੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, CD ਡਰਾਈਵ, DVD ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए दोस्तों, इंटरनेट कनैक्शन लिए किहड़ा यंत्र लोड़ीदा है? तो मोडम की जरूरत है, इंटरनेट जो आपको कनैक्शन चाहिए है। तो लाइट पेन की होंगे? नैक्सट क्वेश्चन जो है 23 क्वेश्चन, लाइट पेन की होंगे? एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए दोस्तों, यूनीवैक का पूरा नाम क्यों होंगे? तो यूनीवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। दोस्तों फुल फॉर्म जिन्हें भी इस वीडियो में मैं कंप्यूटर रिलेटेड दसे ने, इस चंगी तरह याद कर लो, अपनी नोटबुक उत्ते लिख लो, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में आपां नूं फुल फॉर्म के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। एंड इस तरह के फुल फॉर्म के क्वेश्चन मैं अपने फेसबुक ग्रुप उत्ते भी पोस्ट करता रहना। जे तुसीं चाहुंदे हो तो जाके मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुहानूं मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसीं चैक कर लो। क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, सी डी रोम का पूरा नाम क्यों होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, सी डी रोम का पूरा नाम क्यों होंगे? तो कंपैक्टिबल रीड ओनली मैमरी सी डी रोम का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, ए एल यू का पूरा नाम की है? तो अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट ए एल नू कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, वी ए जी वैग का पूरा नाम की है? तो वीडियोग्राफिक एरे वी ए जी यू वैग नू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए दोस्तों, आई बी एम 1401 की है? तो यह सैकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है दोस्तों। ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे है, तो करके इसमें चंगी तरह रीड कर लो, एक बार इतने माइंड में सैट कर लो। क्वेश्चन नंबर 29 की गल करिए, एम एस आई का पूरा नाम की है? तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो इसका पूरा नाम है एम एस आई का। क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए दोस्तों, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की समर्था है, 1.44 MB की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की गल करिए, वैन का पूरा नाम की है? वाइड एरिया नैटवर्क वैन नू कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की गल कर लिए हूँ, एम आई सी आर का पूरा नाम की है? तो मैगनेटिक इंक करैक्टर रीडर एम आई सी आर नू कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए दोस्तों, ईवेडिक का पूरा नाम की है? एक्सटेंड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड जो ईवेडिक नू कहा जाता है। एंड इस नाल क्वेश्चन नंबर नैक्सट जो 34 नंबर क्वेश्चन है, तो सी ए डी का पूरा नाम की है? तो कंप्यूटर एडिट डिजाइन सी ए डी का पूरा नाम है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में आए हैं तो रिपीट भी हुए हैं कई एग्जाम करके। अपने नोटबुक से जरूर लिखते रहो, सिर्फ वीडियो में देखो ना, अपने नोट्स जरूर बनाते रहा करो, कोई भी वीडियो तुम देखते हो। तो क्वेश्चन नंबर 35 की गल करिए, जंक ईमेल की कहते हैं? तो स्पैम मेल जंक ईमेल कहते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन की गल करिए दोस्तों, एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकते जे इस विच नहीं है कि नहीं है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप किसी भी कंप्यूटर नूं बूट नहीं कर सकते। एंड क्वेश्चन नंबर 37 की गल करिए दोस्तों, गैर संख्यात्मक यानी नॉन नमेरिक डेटा की उदाहरण है इंपलॉय एड्रेस, यह एक नॉन नमेरिक डेटा होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 की गल करिए, इंबेडेड सिस्टम की है? द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल मशीन इज इंबेडेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39 की गल करिए दोस्तों, टाइप किए पात्र यानी करैक्टर्स की दिख नूं की कहने? आप जो कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी करैक्टर नंबरस या लैटरस टाइप करते हैं, तो उन्होंने आप फॉरमैट के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 की गल करिए दोस्तों, किहड़ी प्रोग्रामिंग भाषा नूं पंद्री भाषा की श्रेणीबद्ध किया गया है? तो असैम्बली लैंग्वेज नूं पंद्री भाषा के तौर पर असैम्बल किया गया है। दोस्तों ये कंप्यूटर अवेयरनैस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंड इसका नैक्सट पार्ट है जो मैं डेली शाम 6 बजे अपने यूट्यूब चैनल उत्ते अपलोड करांगा। तो करके इस तरह की इनफॉर्मेटिव वीडियो पाने लई साडा चैनल सबसक्राइब कर लो, तो वीडियो में लाइक कर लो, तो एक प्यारा जिहा कमेंट जरूर कर दो।